काजल राघवानी के सामने खुलकर ये कह दिया है कि उनके और खेसारी के बीच जो मीडिया में खबरें उड़ाई जा रही हैं कि अलगाव आ गया है, उनकी जोड़ी टूट चुकी है, ये सारा कुछ अफवाह है। यानी कि ये सारा कुछ एक बहुत बड़ी रूमर्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, हम अगर किसी एक कंपनी को छोड़कर दूसरे कंपनी में जॉब करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारा पहले की कंपनी से व्यवहार बिगड़ चुका है। तो भाई, मेरा उनसे कोई व्यवहार नहीं बिगड़ा है। आज भी खेसारी मंटुआ के नानी की शूटिंग इलाहाबाद में कर रहे हैं, ये मैं जानती हूँ, और हम दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। ये जो लोग रूमर फैला रहे हैं, फैलाने दीजिए, ये उनकी कहानी है। जो लोग फैला रहे हैं, जिन्हें ज़रूरत है रूमर फैलाने की, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है और हम रूमर फैलाने में बिल्कुल यकीन नहीं रखते। काजल राघवानी ने यहाँ ये बात भी कही है कि वो अलग अलग हीरोज़ के साथ काम कर रही हैं और उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, उन्हें ये फिल्में ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि उन्होंने उनके और खेसारी की जोड़ी को बहुत पसंद किया है, तो और भी हीरोज़ के साथ उनकी फ़िल्मों को पसंद करेगी। जैसे कि दोस्ताना, वो प्रदीप पांडे चिंटू के साथ कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कैसन हो जाला प्यार पवन सिंह के साथ कर रही हैं। उनका कहना है कि बंसी बिरजू से लेकर कई ऐसी फिल्में हैं जो वो कर रही हैं और भी अलग स्टार के साथ, तो वो लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। ऐसा नहीं है कि मैंने खेसारी के साथ फिल्में नहीं कर रही हूँ, मैं खेसारी के साथ इस साल 2 फिल्में कर रही हूँ, बलमुआ कैसे तेजब और सैया अरब गई नना। सो यकीन है मेरी जनता समझेगी और ये भी जानेगी कि उन्हें फ्रेश जोड़ियाँ की ज़रूरत है, और मैं अकेले खेसारी के साथ कितने दिन तक काम करूँगी, और भी हीरोइने हैं। तो यहाँ आपको बता दें, काजल राघवानी ने एकदम क्लियर कर दिया है कि उनका और खेसारी लाल यादव का रिश्ता बिल्कुल नहीं टूटा है, वो बिल्कुल आज भी साथ हैं। दुनिया जलती है तो जलने दे, जिनको अफवाह फैलानी है फैलाने दे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।